जिंदगी हम बोलबे यही कहन के 16 तारीख बाद भाई ऊपर से पाई अरे अपना कई ला हमके जे हम जे दिन में मां माटी पड़ी जाए दिन में देर यह कहे कि हम जे दिन में हम यहां एन दो तीन दिन बाद बनी सकता है क्या अरे अबे अपना कई ला हमके जे दिन पान अरे जाई भाई यार अपना गाड़ी काम नहीं कर सकता है भाई अपने बहुत जल्दी दिखवा ले जा तू गाड़ी लगा दे चल गया और जी मैं गेट लेके आवा कॉलेज बोर्ड क्या उपज कर जाओ ऐसे ज्यादा मेहनत हुआ सब खोले में टायर मड़गा आ रही है सब खोले में हमारा 11 बजे से खुले टायर भाई जब तक ये गाड़ी बन नहीं तो कोई खोल नहीं सकता सब कहूँ तो सेहत का लाइक जानकारी नहीं रही इतना खुले पछले के बैठे के कबो ही बनवा तो पर वायरिंग साइज सही समझ में आई दूरी कहाँ लिखा है माथा द्वारा नेट से पुलक तो हो उनका खतक रहा है।
अपना पैर रख ले। Thank you.
तेरह मिनट बताए थे ना कि बहुत मतलब फूट नहीं समझ में आ रही, मतलब प्ले हो गया अंदर। ये टायर साइड की बैरिंग है 6213 इंडिया 0295। आप साइज देख लीजिए इसका, क्योंकि आप लोग बाद में बोलेंगे कि साइज नहीं बताएं आप, तो उसमें एक ही साइज लिखा हुआ है। इस साइड देख लीजिए। और मेरे ट्रैक्टर में प्रॉब्लम ये थी कि लोड वोड सब कुछ लेता था, दिक्कत कोई नहीं थी, बस जब रोड में चलाते थे तो ऐसे आवाज़ आती थी जैसे ये एक बॉल कटी हुई है, तो वो आपस में घर्षण कर रही थी तो आवाज़ आ रही थी कट कट। और ये आप देख लीजिए, मेरा कहना एकदम सही था, आपको ये बॉल में देख सकते हैं बॉल कटी हुई नज़र आ रही होगी, एक ये कटी हुई है, ये कटी हुई है और ये भी कटी हुई है, आप अच्छे से देख लीजिए। तीन बॉल तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई हैं, ये चौथी भी आपको ये देख लीजिए कटी हुई नज़र आ रही होगी। और ये देखिए प्ले कितना है, तो बैरिंग टूटी नहीं थी, चला रहे थे हम, लेकिन ये प्ले देख सकते हैं आप, तो हम सभी बैरिंग को चेक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग, हम आपको प्राइस बताएंगे। और कंपनी में पहले तो मना कर दिए थे बनाने से, बोल रहे थे 2 दिन बाद लेके आना, लेकिन एक भाई साहब हैं उन्होंने अच्छी मदद की हमारी, तो हम बैरिंग दोनों चेक करेंगे। ये एक तो बिल्कुल ख़राब है ये वाली, साइज एक बार और देख लीजिए आप, और ऑयल सील हम दोनों नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में ये झंझट ना हो। और आपको शायद ऐसे में नहीं दिख रहा होगा कि बैरिंग में कितनी चोट आई है, चलिए हम आपको दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे पता था कि यही प्रॉब्लम है, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं क्राउन और रिडक्शन में दिक्कत ना हो, इसलिए चेंज करा दिए इसे। तो अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, आपको कहीं अगर समझ में नहीं आता है और मिस्त्री भाई गलती करते तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोनों लगाई कि एक लगाई? Thank you.
टेक्नो ट्रैक्टर, टेक्नो ट्रैक्टर ऐसे फायदा यह हो कि पैसा है, वीडियो डाले से पैसा है, वीडियो बना ली फिर समझाओ जितनी डा से आन उतनी डा से मोबाइल चालू है, अभी तक बंद नहीं किए ना अभी अपन सुनी रही रात जान जा वही ना महाराज का पहना दे दोनों बैरिंग इसमें एक ही ख़राब थी बड़ी वाली, लेकिन हमने साथ में इसको और तीनों वाली सील चेंज कर दिया क्योंकि ये बैरिंग कटी है तो कहीं ना कहीं इस पर भी थोड़ा बहुत झटका लगा होगा। प्ले तो अभी नहीं था लेकिन ये ऐसे करने पे कहीं थोड़ा थोड़ा जैसा लगता फंसती है, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसी वजह से इसको चेंज कर दिया। और हाँ किसान साथियों, आप लोग प्राइस में ज़्यादा दिक्कत करते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या कम है, तो हर स्टेट के अलग अलग प्राइस होती है। और आप 2023 का जो आइटम है तो उसे 2024 में लेंगे तो उसका प्राइस अलग रहेगा, और 2024 का आइटम जो रहता है उसका प्राइस अलग रहेगा क्योंकि वो न्यू ऑर्डर रहता है। तो प्राइस को लेके मैसेज कमेंट ना करें क्योंकि प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, हर स्टेट की अलग अलग होती है और हर कंपनी की अलग अलग होती है। ये NVC कंपनी की बैरिंग है तो इसकी प्राइस अलग होगी और SKF कंपनी की बैरिंग की प्राइस अलग होगी। मैं आपको लास्ट में दोनों बैरिंग और आयल सील में कितना खर्चा आया, तीनों आयल सील मैं टोटल आपको बताऊँगा। तो आप मान सकते हैं कि समथिंग उसके आसपास हो सकता है
थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन काम आपको कैसा लगा मिस्त्री भाई का और उनके काम करने का तरीका कैसा है आप लोग ज़रूर बताएं। और महिंद्रा कंपनी वालों ने अच्छा साथ दिया मेरा, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया, क्योंकि कंपनी वाले ज़्यादातर अपनी प्राइवेसी लूज़ नहीं करते हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महिंद्रा कंपनी वालों का। तो दोनों वायरिंग चेंज करके क्या मैंने सही किया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये शोरूम रतहरा बाईपास में रमेश कृपा के नाम से है, रिंग रोड के आगे, तो यहाँ पे सर्विस अच्छी होती है ट्रैक्टर की और मेंटेनेंस को लेके लापरवाही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जो भी मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से हैं तो आप लोग यहाँ पे आके एक बार बात कर सकती हैं अपने ट्रैक्टर की सर्विस के लिए, और यहाँ पे आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं तो पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं कराती हैं। मैं जहाँ से पहले लिया था मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में, मैंने पहले प्रद्युम्न सिंह से लिया था, तो उनके पास क्या था कि पार्ट्स ही नहीं रहते थे। तो जिस कंपनी को जिससे ट्रैक्टर लेते हैं अगर उससे पार्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, और इस कंपनी में ऐसा है शोरूम में कि आपको पार्ट्स लेने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि और महिंद्रा वाले यहीं से आके लेते हैं। तो आप ट्रैक्टर भी ऐसा लीजिए जिसके सभी पार्ट्स अवेलेबल हो, क्योंकि ट्रैक्टर है कहीं कुछ भी हो सकता है, लोहा है कहीं से भी घिस टूट सकता है, इसमें ना ही आप कुछ कर सकते हैं ना ही कंपनी वाले, बस वारंटी होगी तो चेंज कर देंगे। उल्टा है, उल्टा है, ग्रीसिंग वाला इस साइड होना चाहिए। थोड़ा एक भी आई लव पहुँच लियो नीचे वाले के जहाँ पैकिंग वाला देखा ऊपर साइड, ऊपर साइड मुझे इनके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, और देखिए कंपनी में आने के बाद आपको तरीके से काम मिलेगा, कोई भी काम जुगाड़बाजी से नहीं किया जाता, यहाँ पे सब परफेक्ट तरीके से किया जाता है। तो आपको यदि 1000-2000 रुपये महंगे पड़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
क्योंकि काम एक बार फिर से आपका कंपनी जैसा हो जाएगा, क्योंकि आईसी ओरिजिनल, एना बॉन्ड ओरिजिनल, बेयरिंग ग्रीस सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा आपको। तो इस ट्रैक्टर और इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपको जल्द से जल्द देंगे। और कंपनी से जुड़ी जानकारी चाहिए तो उसे भी हम जल्द से जल्द आपको दे देंगे, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो काम आपको कैसा लगा इनका और कंपनी वालों का, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब ऐसे ही फिटिंग कर लेंगे, तो इसकी फिटिंग की तो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और महिंद्रा कंपनी वालों का मैं धन्यवाद करता हूं, और इसमें सर्विस चार्ज नहीं लगा है, केवल पार्ट्स के पैसे लगे हैं।